ओपनिंग बल्लेबाजी करने पर लगातार ओपनिंग स्ट्राइक पर मानस राय, दूसरे ओर नॉन स्ट्राइक गेंद पर सुनील स्वाई, नॉन स्ट्राइक गेंद पर चलिए 15-13 ओवर वाली यह मुकाबला, देखते हैं ओम बिहार कितनी बड़ी टारगेट सेट कर सकता है सबके सामने। दूसरे तरफ प्रतीत पावन की 11 खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके हैं। पहले ओवर में गेंदबाजी करेंगे सौम्य, 13 ओवर वाली है मुकाबला, बड़ी चिपके टिकटों को मिल सकता है, बड़े चौके टिकटों को मिलेगा इस इनिंग पर। ओम बिहार के स्ट्राइक पर मानस राउत, फील्डिंग में परिवर्तन, पहली गेंद लेकर सौम्य, सामने है मानस, बढ़िया गेंद था, सम्मान के साथ इस गेंद को छोड़ दिए, बढ़िया गेंद था सोने के द्वारा, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, मानस राउत बड़ी अनुभवी बल्लेबाज है, छक्के चौके इनके बल्ले से दिखने को मिल सकता है, एक बार ये मैदान के मैदान पे सेट हो जाते हैं। दूसरी गेंद लेकर सोने, सामने है मानस, फिर से गेंद का सीधे आगे पैर पे लगा, यहाँ पर सिंगी चुरा लिया बल्लेबाजों ने, लेग बाय एक रन था और इसी एक रन के साथ ओम बिहार ने खाता खोला पहले ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर रहेंगे सुनील स्वाई, इनका बेस्ट 120 रन है, स्ट्राइक रेट इनका 124 है, अभी तक 5000 रन बना चुके हैं इस मैदान पर। तीसरी गेंद लेकर सौम्य, सामने है सुनील स्वाई,
ये गेंद लेग साइड की तरफ चले और यहाँ पर करा थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुआ और सिंगल बदल दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ साथ सुनील साई अपना खाता खोले एक रन के साथ और टीम को लेकर आगे बढ़ाया दो रन के साथ। पहली ओवर प्रगति पर अभी तक ओम बिहार ने दो रन बना चुका है, बड़ी टारगेट बनाना बाकी है कम से कम 13 ओवर में, कम से कम 120 130 रन की एक बड़ी टारगेट देना पड़ेगा पतित पावन को। देखिया चलिए थोड़ी सी अपील हुआ था लेकिन अपील नाकाच किया गया अंपायर के द्वारा और जो अंपायर डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। थोड़ी सी अंपायर की जो डिसीजन है उनके उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनके डिसीजन को सम्मान देना पड़ेगा। चलिए पहले गेंद में एक अक्षम्य सामने है मानस राउत। फिर से लेग साइड के दिशा पर सिंह यहाँ पर गैप का फायदा मिला और मनोज कुमार ने इस ओवर पर खाते खोले बाउंड्री के साथ। पहली गेंद पर कैब सीधा पैर पे लगा था लेकिन इस गेंद पर लेग साइड के दिशा पर गेंद था और सीधा लेके गैप के गैप को फायदा उठाया और सीधा चौका पहुंचा और इसी चौके के सहारे स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 6 रन। 6 रन बना चुका है ओम बिहार ने अभी तक पहली ओवर प्रगति पर 6 रन बना चुका है। अभी बड़ी शर्त लगाना बाकी है। मानस कुमार राव स्ट्राइक पर रहेंगे सामने है सौम्य। पहली गेंद आई है गेंद थोड़े सम्मान के साथ खेले अब तक दिशा पर यहाँ पर सिंगल चुराने की कोशिश और यहाँ पर समाप्त लेकिन कहीं ना कहीं असफल हुए फील्डर और इसी के साथ साथ सिंगल चोरी कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ साथ हुआ पहला ओवर खत्म। पहला ओवर के बाद ओम बिहार टीम ने बनाया 7 रन अपना बिना कोई विकेट गवा के। अभी तक एक भी विकेट गवाया नहीं है लेकिन ओम बिहार ने लेकिन अभी तक 7 रन बना चुका है। संग्रह कर 70 रन निजर मूल्यवान कौन सी विकेट न हरा टीम की तरफ से दूसरा ओवर खुद का के मारे थे लेकिन सीधा गेंदबाज के हाथ में टपका गेंद। इसी के साथ साथ बढ़िया डॉट डिलीवरी रुबल के द्वारा सामने है वही अनुभवी बल्लेबाज छक्के चौके मारने के मास्टर मानस राव। ये घुमा के मारने की कोशिश लेकिन गेंद के साथ बल्ले का सही संपर्क नहीं बन पाया। फिर से एक बढ़िया डॉट डाल रहा रुबल के द्वारा। हम जानते हैं रुबल बढ़िया गेंदबाज है, विकेट टोकन गेंद डालते हैं विकेट चटकाते ही गेंदबाज। इनका बेस्ट 17 रन पर 6 विकेट चटकाए थे। यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल फिर एक भाई चौका मतलब इस गेंद पर 5 रन आ चुका है और जहाँ नो बॉल मिलेगा वहाँ फ्री हिट भी मिलेगा और जहाँ फ्री हिट मिलेगा वहाँ चौका चौका भी मिलेगा। जहाँ फ्री हिट मिलेगा वहाँ छक्का चौका भी मिलेगा क्योंकि इस तरह पे वही जोरदार हिटर बल्लेबाज मानस कुमार राउत। पहली दो गेंद बढ़िया रहा रुबल के द्वारा लेकिन तीसरे गेंद पर नो बॉल डाले फिर से मिसफील्डिंग हुआ कीपर के द्वारा। ये गेंद प्रीत का गेंद भरपूर फायदा उठाए। ये आखिरी दो गेंद पर 11 रन दिए रुबल ने और इसी 11 रन के सारे
दूसरे ओवर को अगर दिता और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बिहार के बल्लेबाज मनोज कुमार राउत। बढ़िया अनुभवी बल्लेबाज है, दाएं हाथ की बल्लेबाज यही है। इनका 120 मैच इससे पहले खेल चुके हैं, आज उनका 121 नंबर वाली मैच है। इनका बेस्ट 220 रन है। फिर से यहाँ पर गेंद में थोड़े से उछाल का बढ़िया डॉट रन डिलीवरी रहा रुबल के द्वारा, वापसी किया है रुबल ने। दूसरे ओवर को प्रगति पर अभी तक 19 रन बनाया है ओम बिहार ने, लेकिन रुबल का लगातार दो गेंदे पर 11 रन मिला, फिर से बढ़िया वापसी की है रुबल। वही विकेट टेकिंग गेंदबाज सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज मानस कुमार राउत। फिर से लगाए लेग साइड की दिशा पर, थोड़े से कवर की दिशा पर लगाया और यहाँ पर मिला चौका, और इसी चौके में सारे स्कोर बोर्ड पर बढ़ोतरी हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 23 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, अभी तक 23 रन बना चुका है ओम बिहार टीम ने। वर्तमान सुधा ओम बिहार टीम संग्रह करके 23 रन, निजरम बल्लेबाज कौन सी विकेट न हो रही। फिर से पुलटॉस का भरपूर फायदा होता है बल्लेबाज मानस कुमार राउत ने। वही हार हिटर बल्लेबाज, एक बार इनका बल्ला सेट हो जाता है तो हर गेंदबाज को नंगा करते हैं ये, हर गेंदबाज को छक्के चौके उड़ाते हैं हर गेंदबाज की गेंद को। चलिए दूसरे ओवर खत्म होने के बाद ओम बिहार टीम ने बनाया 29 रन, यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हुए रुबल ने, खराब गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन। बल्लेबाज सुरेश स्वाई, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की बढ़िया साझेदारी बनता हुआ, पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में बढ़िया। पहली गेंद लेकर सुन ये गेंद को बढ़िया खेले, सम्मान के साथ खेले, सीधा गेंदबाज के हाथ में टपका गेंद, और इसी के साथ साथ बढ़िया डॉट डिलीवरी सुनने के द्वारा तीसरे ओवर प्रगति पर टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा प्राइस पर खरीदे गए हैं मानस राउत। चलिए सौम्य सामने है सुरेश साई, फिर से लेग साइड की दिशा पर, यहाँ पर सिंगल चुरा लिया बल्लेबाज ने, और इसी सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड पर पहुंचा 30 रन तीसरे ओवर प्रगति पर। तृतीय ओवर चलते हुए बेले ओम बिहार टीम संग्रह करते 30 रन, निजर मूल्यवान कौन से विकेट न हराई। सौम्य सामने है हरिकर मानस, फिर से यहाँ पर अंपायर का इशारा, अतिरिक्त वाइड स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ोतरी हुआ और स्कोर पहुंचा 31 रन। फिर यह गेंद पर भी चौका मिला, यहाँ पर बढ़िया उमदा बल्लेबाजी, बढ़िया प्रदर्शन मानस कुमार राउत का। चाहे उम्र कितना भी बड़े हो लेकिन खेलने में क्रिकेट खेल के प्रति इनका जो रुचि है, इनका जो फेवरेट खेल है वो क्रिकेट है। ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए बिहार के ये बल्लेबाज आज रुकेंगे नहीं, आज ये बुलेट ट्रेन के जैसा रफ्तार पकड़ेंगे, आज ये बिजली से भी तेज रफ्तार से रन बनाएंगे, आज ये सोच में आएंगे कि हर गेंद पर छक्के चौके लगाने की सोच रखे। फिर से इस गेंद पर लगातार उसी दिशा पर चौकाऊ मिल रहा है, यहाँ पर उनका पेड़ रहा पेडर के द्वारा, और सिंगल बटोलिया दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 32 रन। अभी तक 36 रन बना चुका है ओम बिहार ने तीसरे ओवर प्रगति पर।
सौम्य सामने है बल्लेबाज सुरेश राई। इसी के साथ साथ दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी टूटा और यहाँ पर सुनील भाई दसवीं विकेट पर जाता हुआ सफलता मिला सौम्य को। इसी सफलता की जरूरी था। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी तोड़ रहा था। अगर इस रन रन जिस तेजी पर चल रहा था रन को रोकना था और वही चीज करके दिखाया वही गेंदबाज सौम्य ने। विकेट टेकिंग गेंदबाज सितारे माने जाते हैं स्टार माने जाते थे जाते हैं प्रतिद पावन के। चलिए वही विकेट टेकिंग गेंदबाज सौम्य सामने है जयप्रकाश परिडा दाएं हाथ के बल्लेबाज। फास्ट डाउन आए हैं मैदान पर जुड़ चुके हैं मानस कुमार के राउत के साथ स्ट्राइक पर रहेंगे जयप्रकाश परिडा। डिफेंस के साथ सम्मान के साथ इस गेम को खेले और इसी के साथ साथ हुआ दूसरा ओवर खत्म। द्वितीय ओवर से सुधा सॉरी तृतीय ओवर से सुधा 36 रन निजरा मूल्यवान गुटी विकेट हराई सुधा ओम बिहार टीम संग्रह को 36 रन। गेंदबाजी करेंगे प्रकाश। यहाँ पर जो बॉलिंग लाइन पर रहता है उसमें थोड़ी सी हुआ है परिवर्तन। रूबल चल रहे थे गेंदबाजी नंबर दूसरे पर दूसरे ओवर डाल रहे थे रूबल ने लेकिन यहाँ पर चौथे ओवर बदलाव किए। यहाँ पर प्रकाश को बुलाए प्रकाश करेंगे टीम की तरफ से चौथा ओवर खुद का पहले ओवर लेके गेंदबाजी करेंगे प्रकाश। सामने है वही हार्ड हिटर मानस कुमार राव दाएं हाथ के बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 37 रन बना चुका है ओम बिहार टीम ने। ये गेंद टूटा था सिंगल चोरी कर लिए बल्लेबाज मानस कुमार राउत ने और इसी सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 38 रन बना चुका अभी तक ओम बिहार टीम ने। प्रकाश तो जय परिडा यहाँ पर बढ़िया गेंद का जय परिडा को मारने की कोशिश था लेकिन यहाँ पर जय परिडा को बड़े शॉट लगाना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर ऑफ साइड की दिशा पर मारने की कोशिश और सफल भी हुआ और यहाँ पर सिंगल बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इसी सिंगल के सहारे स्कोर 39 रन चौथे ओवर को चल रहा है। अभी तक 39 रन बनाया है ओम बिहार टीम ने अपना अहम एक विकेट गवा के। फिर से यहाँ पर उसी दिशा पर मारने की कोशिश और यहाँ पर फिर से सुरक्षित चुरा लिया सिंगल और इसी सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 40 रन चौथे ओवर पर अधिकतर अभी तक ओम बिहार टीम ने बना चुका है 40 रन। बढ़िया गेंद का आया आप प्रकाश के द्वारा। अगर इसी तरह चलता रहेगा जैसे चौथे ओवर को चल रहा है 40 रन बना चुका है ओम बिहार ने इसी तरह चलता रहेगा तो 13 ओवर में 130 रन की प्रोजेक्टेड स्कोर बन चुका है यहाँ पर ओम बिहार के लिए 13 ओवर पर 130 रन। फिर से यहाँ पर उसी दिशा पर मारने की कोशिश यहाँ पर उनका बोलिंग भी कोशिश भी किए थे लेकिन नाकामे हुए फील्डर और इसी के साथ साथ चौका दिखने को मिला बल्लेबाज जय। रन बना चुका है ओम बिहार टीम ने यहाँ पर बड़ी टारगेट अभी तक बना चुका है ओम बिहार ने।
चुका है तो जय पड़ेगा यहाँ पर लड़क बड़ी जम पर खेलो और यहाँ पर सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी सिंगल के अंदर चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 69 फिर से इस गेंद को यहाँ पर खेला और यहाँ पर बढ़िया चौका दिखने को मिला मानस मार राउत के बल्ले से और इसी चौका के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ोतरी हुआ और स्कोर पहुंचा 73 वर्तमान सुधा ओम बिहार टीम संग्रह करके तेज करी रन निजरा मूल्यवान गोटिया उठेगा पीछे चौका दिखने को मिला लगातार दो गेंदे पर बहुत चौके मानस राउत के बल्ले से क्या यहाँ पर क्या ही बल्लेबाजी मानस कुमार राउत की एक अनुभवी बल्लेबाज की अनुभवी पारी पीछे गेंद पर उछलता और इसी के साथ साथ हुआ छठा ओवर खत्म स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचे 136 रन चलिए अगली गेंद देखते हैं 6 गेंद पर 6 छक्के लगता है कि नहीं फिर से इस गेंद को ऑफसाइड की दिशा पर खेले और यहां पर सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने संजय बिश्नोई का यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी और इसी सिंगल के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 131 रन दो गेंद पर 7 रन बना चुके हैं संजम बिश्नोई ने चलिए अगली गेंद लेकर सुकांत सामने है लुबुनी बढ़िया यहाँ पर गेंद पर तारे गेंद पे गंदी और सीधा गोल होगा बाउंड्री के बाहर और इसी गेंद के साथ साथ इस गेंद पर मिला बढ़िया चौका और इसी चौका के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 133 रन एगर करके 135 रन निजरा मूल्यवान पंचवटी के लड़ाई चलिए अगले गेंद लेकर सुकांत सामने है लुबुनी हार्दिक पांड्या फिर से घुमा के मारने की कोशिश गेंद विकेट के ऊपर था बढ़िया गेंद डिलीवर रहा सुकांत के द्वारा वापसी की है सुकांत ने वही अनुभवी गेंदबाज गति है जिनको ऊपर जिनके गेंद पर दिशा है कि दिशा पर गेंद को डालने के पर बढ़िया गेंद रहेगा आगे गेंद लेकर सुकांत फिर से ये गेंद पर मिलेगा चौका इस गेंद पर फिर से चौका मिलेगा बैटर चौका और इसी चौके के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 140 और इसी चौके के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 143 रन एगर का एक्स्ट्रा रन हुआ है 20 रन 140 रन पे सिर्फ 20 रन अतिरिक्त बढ़िया गेंद ये गेंद को मारने की कोशिश कर यहाँ पर बढ़िया गेंद डिलीवर रहा सोने के द्वारा मिलेगा क्या गेंद मिलेगा और सीधा मिलेगा गेंद रफ्तार पकड़ा बुलेट ट्रेन के जैसा सीधा किया बाउंड्री पर बड़ी फिर से बढ़िया गेंद सिंगल चोरी कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी सिंगल के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 149 रन समय सामने है लुबुनी फिर से बढ़िया गेंद यहाँ पर सिंगल चुराने की कोशिश कर रहा सफल रहे दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर सिंगल चुराने की फिर से दोबारा कोशिश रहा लेकिन फिर से कहा नाकाम 149 रन बना चुका है ओम बिहार के बल्लेबाजों ने सुनने तो लुबुनी फिर से बैट्समैन बने के बड़ा गोटिया रन दुरा 150 रन का बड़ा पारी
यहाँ पर क्लीन बोल्ड हुए गेंदबाजी फिर से शोटे के द्वारा और इसी के साथ साथ लुपनी चलते बने कैसे रूम की तरफ इसी के साथ साथ छठा विकेट गवाया ओम बिहार ने छह रन दिए बढ़िया गेंदबाजी रहा शोटे के द्वारा मिलेगा 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 लेकिन नहीं मिलेगा सीधा मिलेगा दर्शक को ये छक्का ये गेंद मिलेगा सीधा दर्शक को ये गेंद नहीं मिलेगा खिलाड़ी को छक्का मिला और इसी छक्के के चलते ओम बिहार टीम ने बनाया 156 रुबल यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी रुबल का वापसी किया रुबल ने दूसरे गेंद पर बढ़िया गेंद डिलीवरी बढ़िया डॉट डिलीवरी रहा रुबल के द्वारा सामने है वही संजम बिश्वाल जिनका होम ग्राउंड है यहाँ पर सारे थर्डमैन के द्वारा और जहाँ नो बॉल मिलेगा वहाँ फ्री हिट मिलेगा और जहाँ फ्री हिट मिलेगा वहाँ छक्का चौका भी मिलेगा अभी देखते हैं कि संजम बिश्वाल इस फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठाते हैं चलिए सामने है रुबल बल्लेबाजी पे संजम संजम बिश्वाल को एक ही छक्का दिखने को मिला है फिर से ये ओवर पर दो बाउंड्री दिखने को मिला दो बड़े बड़े छक्के और 165 रन फिर से ये गेंद फिर से मिलेगा फिर से एक छक्का दिखने को मिलेगा 80 रन का ओम बिहार टीम संतोष कला 13 ओवर है 168 रन जितनी बात होने चलिए हम आपको थोड़े देर में मिलते हैं अभी यहाँ पर हुआ इंग्लिश ब्रेक ड्रिंक ब्रेक थोड़े देर में हम आपको मिलेंगे सेकंड इनिंग पर पतित पावन के बल्लेबाज निर्धारित 13 ओवर रेस है रन का बड़ा टारगेट बाबू ने बॉलिंग बड़ा जीती का जो बॉलिंग जा बढ़िया गेंदबाजी करना पड़ेगा बढ़िया बल्लेबाजी करना पड़ेगा हर गेंदबाज को हर बल्लेबाजों को बड़ी बड़ी शॉट लगाना पड़ेगा बड़े बड़े छक्के लगाना पड़ेगा बड़े बड़े चौके लगाना पड़ेगा मनोज कुमार राउत का जैसा बड़ी पारी खेलना पड़ेगा यहाँ पर पतित पावन के बल्लेबाजों को 13 ओवर पर 169 रन विक्रम सामने है बल्लेबाज परसों दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे विक्रम तो परसों पहली गेंद बढ़िया गेंद था गेंद को छोड़ दिया बल्ले बल्ले के थोड़े से किनारे पे लगा बढ़िया दौड़ पड़ रहा वही विक्रम के द्वारा सामने है परसों दाएं हाथ के बल्लेबाज बड़े छक्के चौके लगाने में माहिर बल्लेबाज एक बार इनका बल्ला से डोटा 275 के 100 के आंकड़ा पूरा करते हुए और फिर से जिसी चीज की हम बात कर रहे थे वही हुआ इस ओवर का पहला चक्का मिला पश्चिम के बल्ले से और इसी चक्के के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 4 रन पतित पावन ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ जिसी चीज की हम बात कर रहे थे कि दोनों बल्लेबाजों को सेट होना पड़ेगा मैदान के अंदर 169 रन की बड़ी टारगेट मानना पड़ेगा बड़ी टारगेट हासिल करना पड़ेगा कोई न कोई बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलना पड़ेगा कम से कम माइनस राउंड के जैसा बड़ी बड़ी पारी फिर से यहाँ पर क्या था लेकिन कहीं ना कहीं गैप पे गिरा और इसी के साथ साथ सिंगल चार कर लिया दोनों बल्ले
चलिए पहली ओवर पर दो बाउंड्री मिल चुके हैं। आदित्य ने भी अपना खाता खोल दिया बाउंड्री के साथ और इसी चक्कर के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 9 रन कैंप आदित्य। यहाँ पर अपर का इशारा नो बोला, जहाँ नो बोल मिलेगा वहाँ फ्री हिट मिलेगा और जहाँ फ्री हिट मिलेगा वहाँ छक्का चौका लगाना पड़ेगा। आदित्य बल्लेबाज हो तो छक्का चौका लगा के दिखा। विक्रम टू आदित्य फ्री हिट गेंद, आगे चढ़ के स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हुए। यहाँ पर रन आउट होने की संभावना था लेकिन इसी के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ हुआ और स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 11 रन। पहली ओवर में विक्रम 11 रन बन चुका है, बढ़िया टॉप बन रहा वही अगस्त के द्वारा। 12 ओवर तो चल रहा है, सुनील स्वाई सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, ये भी फुल टॉस खेलता है। यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग रहा परिडा के द्वारा, सिंगल चोरी कर लिया बल्लेबाजों ने। यहाँ पर चौका मिलेगा, चौका मिलेगा, ओवर तो चौका मिलेगा और इस चक्कर चलते इस गेंद पर 5 रन मिला और इस 5 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा। चलिए यहाँ पर आठ विकेट गवाया पति ने पवन टीम के बल्लेबाजों ने। मिलेगा मिलेगा जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वही मिलेगा, यहाँ छक्का मिलेगा सॉरी चौका मिलेगा और इसी चौके के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुका है 110 रन। और जीतने के लिए 69 रन चाहिए, जीती हुआ पाइया हुई 69 रन में आवश्यक हो। यहाँ पर बढ़िया गेंद था वही सुनील साई के द्वारा, 10 रन चाहिए। आखिरी ओवर लग रहा अभी, मिलेगा मिलेगा वाइड और सिंगल चोरी कर लिया बल्लेबाज, इस गेंद पर 2 रन मिला। पति तो पावर टीम के बल्लेबाज है, अगली गेंद लेकर अभी बाएं हाथ की बल्लेबाज गेंदबाज फिर से घुमाने की मारने की कोशिश, क्रॉस मारने की बैट पर दर्द बोल रहा वही बाएं हाथ की गेंदबाज अभी के द्वारा। अगली गेंद लेकर अभी फिर से एक बढ़िया गेंद, फिर से घुमाना एक बढ़िया गेंद वही अभी के द्वारा। सामने है सुकांत, सामने है सुकांत, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर रन आउट और यहाँ पर कोशिश, यहाँ पर रहा इसी का साथ साथ सिंगल चोरी कर लिए बल्लेबाजों ने और इसी सिंगल के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा। अभी सामने है बल्लेबाज, यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड और इसी वाइड के चलते स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा 100 चाहिए। मिलेगा मिलेगा इस गेंद पर मिलेगा चौका, इसी के साथ साथ चौका और स्कोर पहुंचा 119 रन। सर त्रिपति तो पावर टीम ऐसी से तो क्लीन बॉल रही, ऐसी से तो नाबाद विकेट रहा पता ना पति तो पावर रहा। चलिए तो इसी के साथ साथ 13 ओवर की आखिरी गेंद बचा है, इस ओवर की आखिरी गेंद अभी सामने है। आखिरी बल्लेबाज पति तपावन की आखिरी बल्लेबाज
चलिए तो इसी के साथ साथ हुआ खत्म और दूसरा मुकाबला को ओम बिहार टीम ने जीता और ओम बिहार टीम के मैन ऑफ द मैच बने आज इस पूरे दूसरे मैच की मानस कुमार राउत ओम